दिवाली को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। शहर में रंग बिरंगी लाइट, पटाखे और मिट्टी की प्रतिमाओं की दुकानें भी सजने लगी हैं। बाजार में मिट्टी के बने दियों को भी नया रंग रूप देकर सजाया गया है। करीब 2 साल के बाद लोगों को पूर्ण उत्साह के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला है, जिससे मिट्टी के दिए और प्रतिमाएं बनाने वाले कुम्हारों में भी उम्मीद की किरण जगी है। बाजार में मिट्टी के दिए और प्रतिमाओं की दुकानों की संख्या बढ़ रही है। शहर के छत्रसाल चौराहे के आसपास लगी दुकानों पर दिए की हर वैरायटी मौजूद है। 50 से लेकर 100 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से दुकानदारों द्वारा दिए बेचे जा रहे हैं। डिजाइनर दियों की कीमत 10 से 15 रुपए तक है। आम लोगों ने दिवाली को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। दुकानदार नंदी प्रजापति बताते हैं कि पहले की तुलना में दिए बनाने की लागत बढ़ गई है, लेकिन लोग पुरानी कीमतों पर ही दिए सहित अन्य सामग्री की मांग कर रहे हैं, जिस कारण से सिर्फ लागत निकलने की ही उम्मीद नजर आ रही है। नंदी प्रजापति ने बताया कि दिए बनाकर बेचने का काम वे करीब 3 दशक से करते आ रहे हैं। एक अन्य महिला दुकानदार रामबाई ने बताया कि उन्हें दिए की कीमत 100 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की है, लेकिन लोग मोल भाव करते हुए 50 से 70 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिए खरीद रहे हैं। ऐसे में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना नहीं है। नगरपालिका ने प्रधानमंत्री के मंशानुसार लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा मिट्टी के दिए बेचने वाले दुकानदारों का टैक्स माफ करने की घोषणा की गई है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों से निकाय प्रशासन को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब लगा तो में लगती है, जब तो भी बन रहा है, मिट्टी ले आई और कंडा लाई, वो बना वो कहा इतनी चीजें तो चलिए न करिए सब लगा। अब जितनी लागत है मजूरी कर याद ही धो दिया, मजूरी तो अब अपनों काम आऊ तो लगू है, यह सुनो है कि अब और काम का कर सका। कब से काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 30-40 से कम निकलिए पहले ही से। पहला गांव में हत्या देहात में से वो तन से अपनी मट्टी ले आए और नकड़ी बीन ले आए, अब तो शहर में आन के अब जे ही है क्या मोल डराओ मोल बनाओ। मिट्टी आओ 2000 रुपया ही मिट्टी आओ साजी वाली बगैर का करण की, और मिट्टी ले आए अब फिर ईंधन ले आए, अब वही में बनाबो है हम आओ सोई में दिया जाते है दो ठैया जाते 1 रुपया की 50 रुपये सैकड़ा। अरे पहला इतनी कहाँ थी महंगाई, अब आप तो महंगाई तो कितनी तो बड़ी महंगाई है हर चीज, और हमें इसमें तो मंजूरी ही नहीं पड़ रही मिट्टी की कम। अब नहीं बड़े या दिया के रेट का बड़े, अब जे नहीं एक के दो मांगा उसमें कोनो लागत नहीं है, मजूरी नहीं कर पा रहा, सो अपना जे धंधा कर रहा है वो तो करा तरह लागत में जा है कि 2 पैसा लग रहा है 1 पैसा मिल रहा। एक को एक जात कह दो चले जाए, इतने से ज्यादा नहीं जाता। कितने बार फिर क्या बोल रहे हो काम कर चलिए? हम बताए थे ना कि जो जेठिया ही नहीं कर जा रहा है, ऐसी देख देख तो हम कर रहा है। इसकी पहले मट्टी लाने पड़ती, फिर छन्ना से छानने पड़ती है, छन्ना से छान के फिर वो सुखाई जाती है, फिर उसके बाद गोंदा बना के फिर चका पे चढ़ाते हैं, फिर चका से बनाते हैं दिए। कैसा कैसा कारोबार रहता है, कितना लाभ लेने के लिए आप लोग एक सरकार करते हो पाता है लाभ कि नहीं हो पाता है? लाभ ये अब तो लाभ होता है, पहले चाइना फाना के चलते थे जब नहीं होता था, अब तो अब सरकार ने को मदद कर रही लाभ होता है। किस तरह से सरकार मदद कर रही है आपकी? जैसे ये दुकान वकान की पहले दिक्कत पड़े करती थी, वो अब दिक्कत नहीं आती है लगाने में दिक्कत। हाँ जी, और ना वो टैक्स वैक्स लगता है जो वो लेते थे नगर पालिका, वो कुछ नहीं लगता है। कितने दिन पहले से आप तैयारी में? 2 महीने पहले से। इस बार क्या दीपक की क्या महंगे हैं रेट या सस्ते हैं क्या है? इस बार भाव थोड़ी सही है हर साल से। हाँ। क्या रेट है दीपक लेने के? मतलब 100 रुपए सैकड़ा है।